हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षदीप्स किचन। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एकदम सीक्रेट तरीके का मसाला जो हर सब्ज़ी में जान डाल दे। बस इस मसाले का एक चम्मच हमें डाल देना है सब्ज़ी में, तो सारी सब्ज़ियों में हम इसे डाल सकते हैं, एकदम बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। तो चलिए फिर हम रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, दगड़ फूल और धनिया लिया है। तो अभी हमें इसे एक एक करके रोस्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी है, 1 किलो धनिया हमने लिया है इसमें, तो आधा आधा करके हमें इसे भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे खुशबू आने तक। तो यहाँ पर हमने अभी धनिए को अच्छी तरह से खुशबू आने तक भून लिया है। अभी हम इसे एक बड़े से कढ़ाई में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने इसे बड़ी कढ़ाई में इसे निकाल लिया है। तो हमने दोनों भी धनिए को आधा आधा करके भून लिया था। अभी हम खड़े गरम मसाले भुनेंगे। तो इसमें काली मिर्च है, लौंग है, हरी इलायची, काली इलायची, चक्री फूल, दालचीनी, सारे मसाले जो हमारे घर में होते हैं वो सब इसमें डाल दिए हैं। अब इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये सारे खड़े गरम मसाले मिलकर 200 ग्राम हो गए थे 1 किलो धनिए के लिए। तो अभी हम इसे भी धनिए के ऊपर डाल देंगे। अभी हमने फिर से कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसमें हम डाल देंगे तेज पत्ता और दगड़ फूल। अभी इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अभी खड़े गरम मसाले हमने एक छोटी कटोरी ली थी, तो दगड़ फूल हमने बड़ी कटोरी ली है, उसका वजन कम होता है ना इसलिए, और तेज पत्ता हमने एक छोटी कटोरी भर के ही लिया है। तो अभी इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये भी अच्छे से भून चुका है। अभी हम इसे भी उसी धनिए की कढ़ाई में डाल देंगे। अभी ये सारे मसाले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे, तभी हमें इसे पीसना है। तो अभी हम इसे छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए, जब तक ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर अभी हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अभी हम इसे पीस लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये आटा चक्की है, इसमें ये मसाला भी पीस के हो जाता है, तो मैंने ये इसी में डाल दिया है और इसी में मैं इसे पीस लूँगी। इसमें एकदम अच्छी तरह से बारीक पाउडर बन जाता है, आप चाहे तो इसे बाहर से भी पाउडर करा के ला सकते हो। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से हमारा मसाला पीस के तैयार हो चुका है और बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है, एकदम किचन किंग मसाले के जैसा ही कलर दिख रहा है इस मसाले का। और इसे हम सारी सब्जियों में डाल सकते हैं, किसी भी सब्जी में इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगी। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।